नमस्कार दोस्तों, अपना फोर्थ सेमेस्टर का विद्युत शक्ति पारेषण का आज पार्ट थर्ड हम लेके आए हैं। अपन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हो गया है, आज अपन लेके आए पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत वितरण लाइन के प्रकार, कि विद्युत वितरण लाइन कितने प्रकार की होती है। विद्युत वितरण लाइन मैंने बता दिया कि जो वितरण लाइन होती है वो 33 KV से लेके और आपकी जो 11 KV तक की जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, वितरण लाइन। तो वितरण लाइन के कितने प्रकार होते हैं इसको अपन घरों तक कैसे लेके आते हैं। तो विद्युत वितरण की जो लाइन है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है शिरोपली लाइन ओवरहेड लाइन और दूसरी होती है भूमिगत लाइन यानी अंडरग्राउंड लाइन। जो शिरोपली लाइन है उसको खम्भों पे इंसुलेटर के द्वारा ले जाया जाता है और भूमिगत लाइन को केबलों के माध्यम से भूमि में दबा कर ले जाया जाता है। तो शिरोपरी लाइन को ले जाने के लिए अलग अलग प्रकार के खंभे तथा अलग अलग प्रकार के इंसुलेटर व अलग अलग प्रकार के तार प्रयोग किए जाते हैं और भूमिगत लाइन को ले जाने के लिए अलग अलग प्रकार की केबलें प्रयोग की जाती है। अब अपन फर्स्ट पढ़ते हैं कि वितरण लाइन के अंदर जो शिरोपरी लाइन है तो शिरोपरी लाइन के कितने प्रकार होते हैं, शिरोपरी लाइन के कितने प्रकार होते हैं। तो अपन लेके चलते हैं शिरोपरी लाइन के प्रकार में। फर्स्ट पढ़ते हैं अपन शिरोपरी लाइन क्या होती है। देखो शिरोपरी लाइन क्या होती है, ये शिरोपरी लाइन दो प्रकार की होती है, एक होती है क्षैतिज लाइन और एक होती है ऊर्ध्वाधर लाइन। पहली होती है क्षैतिज लाइन, इस लाइन में तार एक दूसरे के क्षैतिज तल में स्थापित किए जाते हैं और यह लाइन 250 वोल्ट 33 KV तक प्रयोग में लाई जाती है यानी निम्न वोल्टेज 250 वोल्टेज निम्न हो गई, 650 वोल्टेज मध्यम हो गई और 11 केवी की लाइन हो गई उच्च वोल्टेज और 33 केवी तक की लाइन होती है वो होती है अति उच्च वोल्टेज यानी आपकी जो 132 केवी है वो भी किसी में आती है, क्षैतिज लाइन के अंदर 132 भी किसी में आती है अति उच्च के अंदर। तो इन लाइनों में प्रयोग की जाती है वो होती है आपकी क्षैतिज लाइन। ये शिरोपरी लाइन का प्रकार है क्षैतिज लाइन। ये जो आपको डायग्राम में दिख रही है इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन, यानी ये जो लाइन होती है वो एक तार के बराबर में दूसरा तार जाता है और दूसरे तार के बराबर में तीसरा तार जाता है, यानी इस लाइन के अंदर क्या होता है, एक दो तीन, तीनों तार आपस में क्षैतिज जाते हैं तथा इस प्रकार की लाइन को अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज लाइन। इस लाइन का प्रयोग अपन 250 वोल्ट से लेकर 33 केवी तक की लाइन के अंदर किया जाता है और इसके अंदर तार एक दूसरे के क्षैतिज तल में स्थापित किए जाते हैं। दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो होता है आपके ऊर्ध्वाधर लाइन, दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर लाइन। ऊर्ध्वाधर लाइन क्या होती है, इस लाइन में तार एक दूसरे के ऊपर एक एक क्रम में स्थापित किए जाते हैं, यानी एक तार के नीचे दूसरा तार होता है, दूसरे तार के नीचे तीसरा तार होता है। इस लाइन में खंभे की ऊंचाई अधिक रखते हैं, इसका उपयोग 250 वोल्ट व 650 वोल्ट यानी निम्न व मध्यम वोल्ट तक किया जाता है, यानी इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां लाइन को ले जाने के लिए पर्याप्त स्थान कम होता है, जैसे दो मकान की आपस में गली आती है और वहां लाइन को ले जाने के लिए पर्याप्त दूरी नहीं है, जैसे कोई लाइन इधर से जा रही है दो लाइनों के बीच में इतना ही गैप है और यहां से आपको लाइन लेके जानी है, तो यहाँ पे ये विधि प्रयोग करते हैं जिससे एक तार के नीचे दूसरा तार ले जाया जाता है, ये तार है इसके नीचे दूसरा तार फिर इसके नीचे तीसरा तार, जैसे ये खंभा है तो ऐसे तीनों तारों को आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे ले जाया जाता है और ये विधि वहां प्रयोग की जाती है जहां बहुत कम जगह होती है तार को ले जाने के लिए, वहां इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब आपको इसका जो डायग्राम है वो आपको दिखाते हैं। ये जो विधि होती है वो होती है आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन वर्टिकल लाइन, यानी इसके अंदर ये आपका खंभा है और यहाँ अगर आपकी लाइन ले जाने के लिए जगह कम होती है तो इसके अंदर एक तार ले जाते हैं, फिर उसके नीचे दूसरा तार, फिर इसके नीचे तीसरा तार, फिर इसके नीचे चौथा तार, और इसके अंदर खंभों की ऊंचाई अधिक रखनी पड़ती है और उसमें तार एक दूसरे के ऊपर नीचे क्रम में स्थापित होते हैं। तीसरा आता है अपने भूमिगत लाइन यानी अंडरग्राउंड लाइन क्या होती है, यह लाइन वितरण लाइन में 11 केवी से लेके 33 केवी तक की लाइन में भूमिगत ले जाई जाती है, यह एक सुरक्षित व लंबी आयु वाली लाइन है, यानी इसमें क्या होता है कि आंधी तूफान आने का, फॉल्ट होने का, टूटने का, एक दूसरे से तार
टकराने का आदि खतरा बहुत कम होता है, यानी ये लाइन बहुत सुरक्षित मानी जाती है और इसकी आयु एक सिरोपरी लाइन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इसमें लाइन लंबे यानी 60 वर्ष तक चलती है और सिरोपरी लाइन हमेशा टूटती रहती है, इसलिए इसकी आयु लंबी नहीं होती है और ये एक अधिक लंबी वाली तथा एक महंगी लाइन होती है। इसलिए आजकल भूमिगत लाइन का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक लाभदायक है और इसका प्रयोग 11 केवी से 33 केवी तक की लाइन में किया जाता है। तो ये थे आपके विद्युत वितरण लाइन के प्रकार, यानी कि विद्युत वितरण लाइन दो प्रकार की होती है, एक शिरोपरी और भूमिगत। जो शिरोपरी लाइन होती है वो खंभों पे इंसुलेटर लगा के और तारों के माध्यम से ले जाया जाता है और ये जो ले जाते हैं वो दो प्रकार से ले जाते हैं, एक क्षैतिज लाइन में और एक ऊर्ध्वाधर लाइन में। क्षैतिज यानी बराबर में तारों को आपस में बराबर क्रम में स्थापित करके इस प्रकार से तीनों तारों को, और इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर्याप्त स्थान हो लाइन ले जाने के लिए। दूसरी होती है आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन, इसके अंदर इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां बहुत कम जगह होती है लाइन ले जाने के लिए, इसके अंदर तार एक दूसरे के ऊपर क्रम स्थापित होते हैं और इसका प्रयोग 250 वोल्ट से 650 वोल्ट यानी निम्न व मध्यम वोल्ट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरी मैंने बता दी आपकी भूमिगत लाइन, तो ये दो प्रकार की है, शिरोपरी लाइन और भूमिगत लाइन। तो ये अच्छी तरह से याद कर लेना आपके विद्युत वितरण लाइन के प्रकार दो। एक आपका टॉपिक आता है पारेषण में तीन तार थ्री फेज प्रणाली, यानी पारेषण लाइन में थ्री फेज तीन तार प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको लैंग्वेज में बोलूंगा, वो अच्छी तरह से आप समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पारेषण लाइन के अंदर जो कनेक्शन होते हैं, जो ट्रांसफार्मर में जो फेज निकलते हैं, तो फेजों के बारे में बताया गया है कि फेज कैसे निकलते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से सुनना कि विद्युत वितरण केंद्र पर 11 किलो वोल्ट विद्युत शक्ति को डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के द्वारा 400 वोल्ट थ्री फेज एसी में परिवर्तित किया जाता है। ट्रांसफार्मर की तीनों द्वितीयक कुंडलियों को एक एक सिरे को एक बिंदु पर संयोजित करके स्टार बिंदु या न्यूट्रल बिंदु बनाया जाता है। इस प्रकार सर्विस लाइन में थ्री फेज के स्थान पर चार तार हो जाते हैं, यानी तीन तो फेज आ जाते हैं और एक न्यूट्रल तार हो जाता है, तो तीन की तीन तार से आपके चार तार वहां प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एकल फेज की तीन आपूर्ति लाइनें तैयार कर विभिन्न उपभोक्ताओं को लाइट एंड फैन हेतु तीन फेज तथा एक न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध कराई जाती है। यानी अगर आप एक फेज न्यूट्रल लेते हो तो 230 वोल्ट, अगर आप दो फेज काम में लेते हो तो वहां पे आपको 440 वोल्ट यानी पावर सप्लाई मिलेगी। तो दो प्रकार की सप्लाई निकाली जाती है, एक लाइट और एक पावर के लिए। लाइट एंड फैन हेतु थ्री फेज तारों की लाइन प्रयोग की जाती है, फेज न्यूट्रल तथा अर्थ, यानी कि जब आप सभी तारों को मिलाया जाता है तो थ्री फेज तथा एक न्यूट्रल व एक अर्थ को मिला के कुल तार पांच तार हो जाते हैं, तो वो विधि कहलाती है चार तार थ्री फेज चार तार प्रणाली। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अपना आज का सेकंड टॉपिक है कि शिरोपरी लाइन में प्रयुक्त सामग्री, यानी शिरोपरी लाइन में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है जिससे कि लाइन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। तो शिरोपरी लाइन में सामग्रियों के बारे में सबसे पहले आते हैं खंभे। खंभे वह होते हैं जो लाइन को सहारा देते हैं तथा जिसके ऊपर इंसुलेटर स्थापित किए जाते हैं और खंभे के माध्यम से लाइन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। तथा खंभे कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग खंभे प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग ऊंचाई के खंभे प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला भाग होता है आपका खंभा, दूसरा आपके होते हैं क्रॉस आर्म, यानी ये क्या होते हैं वी आकृति की क्रॉस आर्म होती है, आयरन की बनाई जाती है और ये खंभे के ऊपर नट बोल्ट के द्वारा कसी जाती है। यानी ये क्रॉस आर्म क्या होती है, जैसे इस प्रकार से ये कोई खंभा होता है तो इसके ऊपर ऐसे वी आकृति की ये क्रॉस लगाई जाती है, इस प्रकार से ये वी आकृति की ये जो कहलाती है ये आपकी होती है क्रॉस आर्म। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस आर्म। यानी ये क्या होता है, खंभे के ऊपर एक लोहे की लगाई जाती है जिसके ऊपर लाइन इंसुलेटर कसे जाते हैं, यानी लाइन इंसुलेटर किस पे कसे जाते हैं, क्रॉस आर्म पे। तो ये क्रॉस आर्म होती है वो वी आकृति की लोहे की बनी होती है। तीसरा होता है आपने लाइन इंसुलेटर, यानी कि तार को सहारा देने के लिए क्या प्रयोग किए जाते हैं, लाइन इंसुलेटर। अगर लाइन में अपन इंसुलेटर नहीं लगाएंगे तो तार होते हैं वो क्रॉस आर्म से शॉर्ट हो जाएंगे, यानी तार आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, तार अर्थ हो जाएंगे और लाइन अपने एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे। इसलिए लाइन के अंदर क्या लगाए जाते हैं, इंसुलेटर।
इंसुलेटर फोर्सलिन चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग लाइन में अलग अलग इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। चौथा जो होता है वो आपके होते हैं तार। तार क्या करते हैं, विद्युत धारा ले जाने वाला जो मार्ग होता है वो तार होता है। अगर अपने पास तार नहीं होगा तो अपन विद्युत धारा नहीं ले जा पाएंगे। और तार होते हैं वो इंसुलेटर के ऊपर स्थापित किए जाते हैं। तीसरा होता है स्टेरॉयड या स्टे वायर। स्टेरॉयड क्या होता है कि खंभे को सहारा देने के लिए जो तार प्रयोग किए जाते हैं वो बोलते हैं स्टेरॉयड या स्टे वायर। कई प्रकार, जैसे कोई घुमाव वाला खंभा होता है या लाश का कोई खंभा होता है तो उसको सहारा देने के लिए स्टे वायर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने होता है गार्डिंग। कई बार क्या होता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर तार टूट के गिरने का डर रहता है, करंट आने का खतरा रहता है, इसलिए उन लाइन के जो तार है उनके नीचे एक अर्थ का तार बांधा जाता है जिसको अपन गार्डिंग बोलते हैं, कि अगर वो तार टूट जाए तो उस तार के अर्थ होकर लाइन ट्रिप हो जाए और दुर्घटना नहीं हो तो वहां आपके गार्डिंग प्रयोग की जाती है। और ये जो गार्डिंग होती है वो भी तार की, नंगे तार के प्रयोग की जाती है जिसको नीचे खंभों के द्वारा अर्थ किया जाता है। नेक्स्ट अपना जो प्रकार होता है क्लैंप नट बोल्ट, यानी कि क्रॉस आर्म को कसने के लिए और इंसुलेटरों को सहारा देने के लिए क्लैंप या नट बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। और एक टॉपिक होता है दो खंभों के बीच की दूरी है, यानी खंभे होते हैं उनके बीच में उनकी जो दूरी होती है वो अलग अलग होती है। अब हम पहले चलते हैं खंभे के अंदर। खंभे क्या होते हैं कि विद्युत वितरण लाइन की स्थापना में खंभा एक महत्वपूर्ण अंग है। यह कई प्रकार का होता है जिसमें पहला आता है आपका लकड़ी का खंभा, यानी ये खंभा क्या होता है, लकड़ी का खंभा होता है और इसका उपयोग अस्थायी लाइन की स्थापना में पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। जहां आपको कुछ दिनों के लिए लाइन लेके जानी होती है तो पहाड़ी इलाकों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी आयु लगभग 10 साल तक की होती है। दूसरा होता है सीमेंट कंक्रीट खंभा, यानी RCC खंभा। कौन सा खंभा, RCC सीमेंट कंक्रीट खंभा। यह सीमेंट कंक्रीट तथा लोहे के सरियों से बनाया जाता है। सीमेंट कंक्रीट लोहे के सरियों से बनाया जाता है और इसमें केबल स्थापित की जाती है और 11 KV तक की लाइन के लिए तथा 33 KV तक की लाइन के लिए ये RCC खंभा प्रयोग किया जाता है। अधिकतर आजकल RCC खंभे ही प्रयोग किए जाते हैं। चौथा होता है वो होता है आपका रेल लाइन खंभा। चौथा कौन सा होता है, रेल लाइन खंभा, यानी आई सेक्शन खंभा। कौन सा खंभा, आई सेक्शन खंभा। यह ठोस लोहे का आई सेक्शन वाला खंभा होता है और यह वजन में बहुत भारी होता है, यानी ये आई सेक्शन मजबूत खंभा होता है। रेल की लाइनों के अंदर तार ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह महंगा होता है और 11 KV तक की लाइन के लिए ये प्रयोग किया जाता है, यानी ये आई सेक्शन में बना होता है। इस प्रकार से ये जो खंभा होता है वो लोहे का आई सेक्शन में बना होता है, इसलिए इसको आई सेक्शन खंभा भी बोलते हैं। रेल लाइन खंभा क्या बोलते हैं, आई सेक्शन खंभा। अगला जो खंभा होता है ट्यूबुलर खंभा। अगला कौन सा होता है, ट्यूबुलर खंभा। इस खंभे का व्यास नीचे की ओर अधिक होता है। इसका जो व्यास होता है वो नीचे की ओर अधिक होता है और ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे इसकी दूरी घटती जाती है। आजकल स्ट्रीट लाइट में इसी का खंभे का उपयोग किया जाता है। अगला खंभा होता है अपने टावर। अगला खंभा होता है टावर। HT तथा EHT यानी 11 KV की लाइन से लेके 1,32,000 KV तक की लाइन, 4,40,000 KV तक की जो लाइन होती है इसको एंगल आयरन से तैयार किया जाता है और इसका प्रयोग बहुत अधिक वोल्टेज को ले जाने के लिए किया जाता है और इसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है और आजकल पारेषण लाइन को ले जाने के लिए टावर का प्रयोग किया जाता है। ये एंगल आयरन से बना बहुत ऊंचा खंभा होता है, इसका प्रयोग हाई वोल्ट को ले जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट होती है अपने क्रॉस आर्म। मैंने भी बताया था ये वी आकृति की होती है और लोहे की बनी होती है तथा एक खंभे के ऊपर, जैसे ये आपका कोई खंभा है तो इस खंभे पर इस आकृति वी आकृति की ये क्रॉस आर्म लगाई जाती है और इस क्रॉस आर्म पे खंभे स्थापित, इंसुलेटर स्थापित किए जाते हैं और इंसुलेटर के ऊपर क्या स्थापित किया जाता है, तार। तो ये क्रॉस आर्म क्या होती है, लोहे की। अगला आता है अपने इंसुलेटर। इंसुलेटर कई प्रकार का होता है। इंसुलेटर फोर्सलिन चीनी मिट्टी का होता है और ये तारों को खंभे से पृथक रखते हैं जिससे लाइन बंद नहीं हो। इंसुलेटर कई प्रकार का होता है जिसमें पहला आता है आपके पिन इंसुलेटर। पहला कौन सा आता है आपके, पिन इंसुलेटर। ये क्या होता है, ये डबल तथा ट्रिपल शेड वाले होते हैं। इसका उपयोग सीधी लाइन में किया जाता है,
ये डबल शेड और ट्रिपल शेड, शेड यानी इसपे खाचे बने होते हैं, शेड होते हैं इसपे खाचे बने होते हैं, और ये डबल शेड तथा ट्रिपल शेड के होते हैं। जैसे मैं आपको अभी डायग्राम में डबल शेड और ट्रिपल शेड दिखाता हूँ। यह आपके एक पिन इंसुलेटर होता है, इसमें इसको बोलते हैं शेड। ये हो गई दो शेड, एक शेड और दो शेड। ये हो गया आपके डबल शेड और ये हो गया आपके ट्रिपल शेड, 1, 2 और 3। ये जो इंसुलेटर होता है वो आपके 11 केवी तक की लाइन में काम में लेते हैं, और ये जो इंसुलेटर होता है वो आपके 33 केवी तक की लाइन में लिया जाता है। यानी डबल शेड वाला होता है वो 11 केवी, ट्रिपल शेड वाला होता है वो होता है 33 केवी तक की लाइन के अंदर। जहां लाइन को सीधा लेके जाना होता है वहां कौन सा इंसुलेटर प्रयोग करते हैं, पिन इंसुलेटर। जहां इसका प्रयोग सीधी लाइन में किया जाता है, ये डबल शेड वाले तथा लाइन में तथा ट्रिपल शेड वाले प्रयोग किए जाते हैं। इन इंसुलेटर में शेड का कार्य वर्षा से तार का बचाव करने के लिए किया जाता है, और इसके अंदर एक छेद होता है जिसमें आपके पिन को फंसा के क्रॉस आर्म पे स्थापित किया जाता है। दूसरा होता है आपके सेकल इंसुलेटर। सेकल इंसुलेटर का प्रयोग खंबे के लास्ट यानी घुमाव का जो खंबा होता है, घुमाव वाला जो खंबा होता है लास्ट का खंबा जब घूमता है, लाइन जब टी प्रकार से जाती है, इस प्रकार से लाइन जाकर यू घूमती है, तो ये जो लास्ट का खंबा होता है, इस लास्ट के खंबे में यहाँ पे जो इंसुलेटर प्रयोग करते हैं वो लेते हैं अपन सेकल इंसुलेटर। सेकल इंसुलेटर में क्या होता है, एक गोल छिद्र होता है जिसमें आर पार तार को इस प्रकार से यूं फंसा लिया जाता है। यानी यूं एक इंसुलेटर होता है तो ऐसे तार को ले जाके इसके अंदर से यूं फंसा लिया जाता है, इसको अंदर से इसमें तार आर पार निकाला जाता है, और यह आपके कहलाता है आपके सेकल इंसुलेटर। यानी लास्ट का घुमाव का जो खंबा होता है वहां सेकल इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। तीसरा इंसुलेटर होता है आपके डिस्क इंसुलेटर, यानी जो बड़े बड़े टावर होते हैं। अभी मैंने बताया कि खंबे में जो बड़े बड़े टावर होते हैं, टावर के ऊपर हाई वोल्टेज को यानी कि 132 केवी वोल्टेज को या 440 वोल्टेज को जब टावर पे ले जाया जाता है तो वहां पे डिस्क इंसुलेटर ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि डिस्क इंसुलेटर इस प्रकार होता है, ऐसे होता है जिससे क्या होता है, खंबे से तारों की दूरी अधिक हो जाती है। जैसे यहाँ पे कोई खंबा है तो यहाँ पे अपने इसको फंसा के तारों को यूं ले जाते हैं, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो गैप बन जाता है जिससे कि खंबे में करंट नहीं आए। ये जो इंसुलेटर कहलाता है आपका, वो कहलाता है डिस्क इंसुलेटर। इस इंसुलेटर का दूसरा नाम, इस इंसुलेटर के दो तीन नाम होते हैं, इसको लिंक इंसुलेटर भी बोलते हैं और सस्पेंस इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिंक इंसुलेटर और सस्पेंस इंसुलेटर भी बोलते हैं। और हाई वोल्टेज तथा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को ले जाने के लिए डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से इंसुलेटर का, डिस्क इंसुलेटर का। और इस इंसुलेटर के अंदर दूरी बहुत अधिक बन जाती है जिससे कि लाइन में करंट आने का खतरा कम रहता है। नेक्स्ट होता है अपने स्टे इंसुलेटर। नेक्स्ट इंसुलेटर होता है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर क्या होता है, खंबे को सहारा देने के लिए, ये जैसे आपका कोई खंबा है, इसको सहारा देने के लिए यहाँ पे आप स्टे बांधते हो। यहाँ क्या बांधते हैं अपन, स्टे बांधते हैं। स्टे के बीच में यहाँ पे जो इंसुलेटर लगाया जाता है उसको बोलते हैं अपन स्टे इंसुलेटर। अपन इसको क्या बोलते हैं, स्टे इंसुलेटर। ये पोर्सलिन का सबसे मजबूत इंसुलेटर होता है। इसका उपयोग स्टे वायर तथा लाइन वोल्टेज में जोड़ा जाता है। इस इंसुलेटर में खिंचाव बल सह सकता है, इसलिए इसका दूसरा नाम इसे स्ट्रेन इंसुलेटर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेन इंसुलेटर। यानी मजबूती ज्यादा सहन करता है, और इसका प्रयोग यहाँ लाइन को स्टे रोड में किया जाता है जिससे कि अगर यहाँ पे कोई लाइन टच होती है तो नीचे परती में आपने करंट नहीं आए, वो करंट इंसुलेटर के माध्यम से यही रुक जाए, तो उसको बोलते हैं अपन स्टेन इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर। तो ये थे आपके चार प्रकार के इंसुलेटर। दूसरा होता है आपके तार। लाइन को करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तारों का प्रयोग किया जाता है, और लाइन में जो तार होते हैं वो होते हैं 51 नंगा तांबे का तार। ये 250 वोल्ट यानी सिंगल फेज लाइन के अंदर लाइन को ले जाने के लिए तार प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है ACSR तार। ACSR तार की फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड तार। यानी इसमें क्या होता है, एक स्टील का तार होता है और उसके चारों तरफ एल्यूमिनियम के चार होते हैं। यानी इसके अंदर बीच में एक स्टील का मोटा तार आता है मजबूती सहन करने के लिए, और इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम के 5-7 तार आते हैं। इस प्रकार से ये जो तार बनता है ये क्या कहलाता है आपका, स्टील रेनफोर्स। ये तार क्या कहलाएगा, इनके बीच में एक स्टील का मजबूत तार है जो इनकी मजबूती बढ़ाता है, यानी सहन सीमा बढ़ाता है, और इसके अंदर इस तार का प्रयोग हाई वोल्टेज को ले जाने के लिए किया जाता है।
दूसरा जो तार होता है वो होता है सीसीआर, दूसरा जो तार होता है वो आपके कौन सा होता है सीसीएसआर तार, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स तार। यानी इसमें क्या होता है कि जो बीच में जो मजबूत वाला तार होता है इसके चारों तरफ इसमें तांबे के तार होते हैं, तो इससे क्या होता है इसकी थोड़ी अचालकता बढ़ जाती है, इसकी मजबूत शक्ति बढ़ जाती है, और इस तार का प्रयोग कई विशेष कार्य में ही किया जाता है, और इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, इसलिए अधिकतर जो लाइनों में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है एसीएसआर तार। अधिकतर विद्युत पारेषण वितरण लाइनों में कौन सा तार प्रयोग करते हैं? एसीएसआर तार। सीसीएसआर तार का प्रयोग विशेष प्रकार की जगह पे ही इसका प्रयोग किया जाता है। अगला होता है स्टेरॉइड या स्टे वायर। स्टेरॉइड या स्टे वायर, हम आपको स्टेरॉइड का एक डायग्राम दिखाते हैं जिससे ये टॉपिक तुरंत समझ में आ जाएगा। ये आप आपको एक स्टे लाइन दिखाते हैं जिसके अंदर ये स्टे वायर है, यानी यहाँ पे एक खंबा होता है और यहाँ पे ये लाइन जा रही है। इस खंबे को सहारा देने के लिए ये बांधते हैं अपन स्टे तार। क्या बांधते हैं? ये स्टे तार। उसके अंदर बीच में ये जो तार है, ये जो इंसुलेटर है, वो है आपका स्टे इंसुलेटर। यहाँ पे ये इंसुलेटर लगाया जाता है कि अगर यहाँ पे तार में अगर कभी करंट आता है तो ये करंट यहीं रुक जाए, यहाँ नीचे तक नहीं आए। इसलिए एक विधि है आपकी स्टे तार बांधने की। ये विधि तब प्रयोग की जाती है जब स्टे बांधने के लिए पर्याप्त स्थान आवश्यक हो, जगह की कोई कमी नहीं हो, वहां इस विधि का प्रयोग करते हैं। और जहां पे जगह कम होती है, जैसे कोई ये खंभा है और पास में यहाँ कोई दीवार आ गई, यहाँ खंभे को सहारा देने के लिए स्टे तार नहीं है, तो ये स्टे आप इस प्रकार से बांध सकते हैं। यानी यहाँ पे एक आयरन लगा के और ये स्टे को इस प्रकार से सीधा बांधा जाता है, जिससे यहाँ जगह की जहां कमी होती है वहां इस प्रकार की स्टे प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता आपके गार्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता आपके गार्डिंग। गार्डिंग क्या होती है? मैंने बताया कि जैसे आपकी कोई लाइन जा रही है इस प्रकार से, ये आपके दो खंभे है, तो इन खंभों के नीचे इस प्रकार से जो तारों का एक जाल बनाया जाता है, इस प्रकार से तारों का, कभी आपने देखा होगा, इस प्रकार से तारों का एक जाल बनाया जाता है, और इस जाल को नीचे खंभे के द्वारा क्या किया जाता है? अर्थ किया जाता है। तो ये जो चीज कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है? गार्डिंग। क्या कहलाती है? गार्डिंग। यानी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां भीड़ भाड़ वाली की कोई इलाके होते हैं, भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है जहां दुर्घटना कम रहती है, आंधी तूफान आती है, तार टूटने का खतरा ज्यादा रहता है, भीड़ भाड़ वाला कोई इलाका है, जीव जंतु ज्यादा रहते हैं, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी सिरोपणी लाइन में आंधी तूफान दुर्घटना लाइन पर तार का टूटने की संभावना रहती है। यदि टूटा हुआ तार किसी जीव को स्पर्श कर जाएगा तो विद्युत का लगेगा और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो दोनों खंभों के दोनों ओर लाइन पर अर्थ किया हुआ गार्डिंग लगाया जाता है। इस प्रकार से जब तार को टूटेगा तो वो गार्डिंग को टच करेगा और लाइन अर्थ होके बंद हो जाएगी और मनुष्य की तथा जीव की सुरक्षा हो जाएगी। इस प्रकार से ये गार्डिंग की जाती है। और ये गार्डिंग भी कई प्रकार की होती है। ये गार्डिंग भी क्या होता है? कई प्रकार की होती है, जिसमें एक आती है आपके, अधिकतर मुख्यतः दो प्रकार की प्रयोग करते हैं गार्डिंग। एक होती है आपके कैच गार्डिंग और एक होती है आपके क्रेडिल गार्डिंग। ये वाली जो भी मैंने ये जो जाल बनाया ये कौन सी गार्डिंग है आपकी? ये होती है आपकी क्रेडिल गार्डिंग। ये कौन सी गार्डिंग है? क्रेडिल गार्डिंग। केज गार्डिंग में क्या होता है? दो ही तार लेते हैं, जैसे आपके ये तीन तार जा रहे हैं, इनके नीचे एक तार यहाँ बांध दिया, एक तार यहाँ बांध दिया, तो इस प्रकार का ये जो गार्डिंग है वो आपकी कहलाती है। ये एक तार की कौन सी गार्डिंग है? ये आपकी केज गार्डिंग। और ये जो जाल बनाया जाता है वो होता है आपका क्रेडिल गार्डिंग। कौन सी होती है? क्रेडिल गार्डिंग। तो ये गार्डिंग प्रयोग की जाती है जिससे कि आदमी के तार टूटने पे करंट नहीं आए और मनुष्य की दुर्घटना नहीं हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका दो खंभों के बीच की दूरी। नेक्स्ट टॉपिक है दो खंभों के बीच की दूरी। ये दो खंभों के बीच की दूरी वाला टॉपिक आपको याद करना है। यानी जब लकड़ी का खंभा लगाया जाता है तो 40 से 50 मीटर के अंतर रखते हैं, ट्यूबुलर खंभे में 50 से 80 मीटर, आरसीसी खंभे में 60 से 100 मीटर, आई सेक्शन खंभे में 80 से 100 मीटर और टावर के अंदर 100 से 300 मीटर का एक दूरियों का गैप रखा जाता है। यह आपको एक आंकड़ा है, वो आपको याद करना है। तो आज के टॉपिक मैंने बता दिया कि आज के टॉपिक में क्या क्या थे कि सिरोपणी लाइन में प्रयुक्त सामग्री, यानी खंभा प्रयोग करते हैं, खंभे के ऊपर क्या लगाया जाता है? क्रॉस आर्म के ऊपर लगाए जाते हैं इंसुलेटर, और इंसुलेटर के ऊपर लगाए जाते हैं तार, और खंभे को सहारा देने के लिए लगाई जाती है स्टेरॉइड, और एक लगाई जाती है गार्डिंग। क्या लगाई जाती है? गार्डिंग।